ना जाने कहां से आया है ये जेंटलमैन इस दा, लेने नहीं दे रहा चैन इस दा। यार सुबह सुबह लप्पी के साथ घूमने का टाइम होता है, अब लप्पी को छोड़ के पप्पी को घुमाओ। सावे सावे सावे, इतना प्यारा पप्पी है। जेंटलमैन जेंटल है एकदम, बहुत हैंडसम है जी, सो स्मार्ट। वो घटिया आदमी। ओ मैं मैं घटिया हूँ? आइए आइए, मैडम मैं बदतमीज हूँ। ओ, ओ, ओ दोस्त, अगर तुम बदतमीज हो तो हमारी मैडम भी कुछ कम नहीं है। मेरा मतलब है बड़े बड़े बदतमीज लोगों को तमीज सिखा देती है मैडम। Well, हमें भी पता चले कितने हो तुम बदतमीज़ दा, खादी का पजामा प्लास्टर की कमीज दा। पॉलिएस्टर। या दिस वन। दादाजी देखिए मैं वो वाला बदतमीज नहीं हूँ। तो आप कौन से वाले बदतमीज हैं? महाबदतमीज, बहुत बदतमीज या सुपर बदतमीज? देखिए मेरा नाम है बदतमीज। वाह क्या लविंग पेरेंट्स हैं, खूब प्यार निछावर करके उन्होंने नाम रखा है बदतमीज। तो क्या करूं मैं, मेरा नाम है बदतमीज, बदतमीज कुमार, चिमगादड़ चिंता में है। गायकी का मशहूर सिकंदर, मशहूर गायक, बदतमीज कुमार, चिमगादड़ चिंता में है। क्या बात करो यार, तुम वही बदतमीज कुमार हो, मतलब मशहूर सिंगर बदतमीज कुमार, वो फेमस वाला जिसने वो गाना गाया, वो मोहब्बत का टुल्लू इसका पंप, तुझे देख के मेरा दिल जाता है जंप। अरे हाँ, और वो वाला गाना भी तो गाया है इन्होंने, मच्छर काट गया गोरी के गाल पे, छुंदर मर गया गोरी की चाल पे। ओए 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 ओए, अरे जो है मैं देख रही हूँ एक से एक छिछोरे गाने गा लिए तने। Well bro, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम is the problem है मेरा पड़ोसी मैडम, वो मेरा बहुत ही बड़ा फैन है। जैसे मुझे देखता है ना, मुझे फरमाइशी गाना दे देता है कि ये गाना गाओ वो गाना गाओ, और मैडम अगर अगर मैं वो गाना ना गाऊं तो वो जमीन पे लौट जाता है और कहता है कि जब तक तुम वो गाना नहीं गाओगे मैं जमीन पे यूं ही लौटता रहूंगा, चिमगादड़ चिंता में है। मैडम परसों की बात ले लीजिए, उसने मुझे एक गाने की फरमाइश दी और मैंने वो गाना गा दिया, उतने में एक भाभी जी आई और मुझे चमार मार के चली गई, चमगादड़ चिंता में है। ऐसा के गा लिया भाई तने, के गवा दिया उसने थारे से? उसने मुझे गवाया पपिया जपिया पाले हम, आंखियों से पेच लड़ा ले हम। बस मैडम ठीक इसी तरह वो भाभी जी मेरे नजदीक आई ये गाना सुनकर और मुझे चमाट मार के चली गई, चिमगादड़ चिंता में है। तो मैडम मेरी रिक्वेस्ट है कि ये मेरे पड़ोसी को आप यहाँ पे बुलाइए, उसे समझाइए कि सी आई एम आर्टिस्ट गुड सिंपल, माने मशहूर सिंगर हूँ, मुझे इस तरह गाने की फरमाइश ना दे कहीं पे भी। ठीक है चलो पड़ोसी को बुलवाओ। Well, mom, she is the padosi is the jo hai do she is the tu hai batmeez kumar ka padosi? बदतमीज कुमार नहीं मैडम, बदतमीज कुमार जी बोलिए, बहुत बड़े आदमी है, वो कमाल के सिंगर है, मैं उनका मुरीद हूँ। सक्सेना रो पड़ा। अबे तूने ऐसा क्या कर दिया अबे कि सक्सेना रो पड़ा है? ए, कौन सक्सेना, कैसा सक्सेना? नहीं नहीं देखिए मैं किसी सक्सेना को नहीं जानता, सक्सेना रो पड़ा। ये तो मेरा तकिया कलाम है, बाकी बदतमीज कुमार जी को मेरा सलाम है क्योंकि उनकी गायकी का मैं बहुत बड़ा मुरीद हूँ। सक्सेना रो पड़ा। अबे कुआं पड़ा थारा सक्सेना, और ऐसी कैसी मुरीदगिरी मचा रखी थाने, थारी मुरीदगिरी के चक्कर में सामने वाले का जो है बिल्कुल ही तेल निकले जा रहा,
तू लौट रहा है जो है सोशली पब्लिकली जो है एम्बेरेस कर रहा है तू बदतमीज कुमार ने, कतई जो है थारी वजह से जो है लेडीज आके उसके चांटे पे चांटे धर जाबे मुरीद बन रहा कहीं का। देखिए मैडम मैं हूँ वाह वाह भटनागर, मेरे पिताजी जो थे ओ हो भटनागर, उन्होंने मुझे ये कहा था कि भाई जब भी किसी के फैन बनो तो सारी हदें सरहदें पार कर जाओ, लेकिन फैन गिरी से पीछे मत हटना, चाहे घट जाए कोई भी घटना। सक्सेना रो पड़ा। ये तो कोई बात नहीं हुई यार, कोई किसी का इतना मुरीद होता है क्या कि उसी को पिटवा दे। देखिए ये मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि मैं जब भी होता हूँ किसी का मुरीद तो ना देखता हूँ दिवाली ना ईद, बस सारी हदे सरहदे पार कर जाता हूँ। सक्सेना रो पड़ा। भैया ये तो गलत बात है ना? ना ना फैन होना गलत बात नहीं है, लेकिन अगर तुम किसी के फैन हो और उसे तुम्हारी वजह से तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है तो ये गलत बात है। आओ जरा एक बाग के लिए चले। चलो। अरे क्या कर रहे हो यार, देख के चलो, आओ इधर। देखो भाई ऐसा है कि ये जो बदतमीज कुमार है ना, इसको इसकी बिल्डिंग में परेशान करना, तंग करना, इससे जो है रिक्वेस्टें करना, फरमाइशें करना, यो जरा बंद कर दो, वरना इतनी कुटाई करूंगी मैं, इतनी कुटाई करूंगी कि बाबा भटनागर से भटनागर हो जाओगे। जी मैडम मैं आपको एक बात बताऊं, मैडम सच बताऊं तो मुझे पता ही नहीं था मैडम कि बदतमीज कुमार जी को इतनी बुरी लग गई बात, वरना मैडम मैं उनका मुरीद हूँ। अरे मैं ऐसा कभी भी नहीं करता मैडम। सक्सेना रो पड़ा। मैडम मैं कसम खाता हूँ आज के बाद अपनी बिल्डिंग में किसी भी गाने की फरमाइश उनसे नहीं करूंगा। सक्सेना रो पड़ा। मैडम मैं अभी जाऊँ। Good. That's simple. No one gets hurt. Thank you, madam. Saksana ro pada. Chalo, chalo, chalo. ये अपना तू अपना नाम क्या था रा यार ये? मेरा नाम? क्या? आप मेरा नाम भूल गई हैं? Lives of the rich and famous. 30 साल की सर्विस हो गई है यहाँ, नाम भूल गई हैं तो क्या होगा, इसमें क्या है? ज्यादा यहाँ सास का मजा देने की जरूरत ना है मन्ने। नाम बोल अपना। शत्रुघ्न गोप्स। आइए शत्रु जी। सर इतनी देर से खा रहा हूँ, वही मैं सोच रहा हूँ कि मुझे मजा क्यों नहीं आ रहा है। चटनी नहीं है ना साथ में सर, वो ग्रीन वाली। रामलाल रामलाल भाई तुम चुप रहो शारदा। तुम कलम चली कोल्टा हम कब तुम चुप 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 चुन्नू चाट वाले के साथ चाट पकोड़े खरीदी तुम आपे? मैं तेरे काम नहीं आ सकता, तेरे को बाप की बिल्कुल इज्जत का तेरे को ख्याल नहीं है कुछ, बिल्कुल मिट्टी खत्म 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 कर दे तू, बिल्कुल चुप इधर खड़ी रह चुपचाप, बिल्कुल बिल्कुल आवाज तेरी मैं सुनूंगा नहीं, मैं कल चुप बिल्कुल पट्टू के साथ में तेरी शादी तय कर रहा हूं, बिल्कुल इसके बाद तू कुछ कुछ हुआ था क्या सर? दस हजार बार तू मारेगा ये तेरा पनिशमेंट है बेटे, एक महीने लगेंगे तेरे को मारते हुए। मार पकड़ पकड़। मैडम 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 आया आया। अरे थारा केस सॉल्व हो गया था, तू क्यों आया है? थारे पड़ोसी को जो है वार्निंग दे तो दी थी कि थारी बिल्डिंग में नहीं छेड़ेगा वो, तेने नहीं रिक्वेस्ट करेगा। हाँ करेक्ट मैडम, आपने कहा था ना कि बिल्डिंग में नहीं, तो इस बार उसने मुझे मॉल में पकड़ लिया। आई आया और वहां पे मिलकर मुझे कहने लगा कि देखिए सर ये मेरा फरमाइशी गाना है, इसे प्लीज गाइए वरना दुकान में जितना भी माल है ना उसे मैं गिरा दूंगा और उस पे लौट जाऊंगा। करेक्ट मैडम करेक्ट। और मैंने वो गाना गाया और मॉल में जितने भी दुकान वाले थे ना आके सबने मुझे पीट दिए। मैडम यहाँ पे ये देखे हल्की सुजन दिख रही है, अंदर एक दांत था अब नहीं है। Well, तुमने कौन सा गाया गाना इसदा जो मार मार के तुम्हें बना दिया काना इसदा है? उसने मुझे फरमाइश की थी, रोमियो नाम है मेरा, चोरी है काम है मेरा। बस मैडम इतना सुनते ही दुकान वाले समझ गए कि मैं चोर हूँ और मुझे पीट दिया, दो डाला और अंदर का जो दांत था ना वो भी तोड़ डाला। मैडम चिमगादड़ चिंता में है,
यो आदमी तो काफी जो है इरिटेटिंग हो रहा है। गुलगुले तू केला तो बहुत खा लिए तेरे, तू मन ने ये बता गाली खाएगा या गोली डायरेक्ट? आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चिंटू चंटीला बंटू भड़कीला एडिया आ रहा है। तुम्हारे गुस्से के सोले भड़क जाएंगे और उसमें तू जल के भस्म हो जाएगा, फिर देगा एडिया। तो दीवार के पीछे तो आइए, मतलब सुनिए। गुड आइडिया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अबे जेंटलमैन, इतना सीरियस क्यों लग रहा है बे? माथे पर उसके इतना शिकन भी... तुम भी खाते हो बे क्या? इसको खाना देते हो बे? भूखा तो नहीं रखे उसको? ये क्या कह रहे हैं सर आप? सर मैं खुद सर ऐसे 5 दिन पुराना समोसा खा लूंगा सर, लेकिन इसे इसे रोज एकदम फ्रेश नया आइटम देता हूँ सर, रोज नया रोज। लपेट। जी नमस्ते, मैं आ गया। सक्सेना रो पड़ा। वेल, तुमने फिर से किया उस बदतमीज कुमार को परेशान इज्दा। गोपी को चाहता है सारा हिंदुस्तान इज्दा। दादाजी क्या है कि देखिए मैं मुरीद हूँ उनका, भाई फैन हूँ। मैं क्या बताऊँ, मैंने आपसे कहा ना पहले कि एक बार मैं किसी का फैन हो जाता हूँ ना तो मैं सारी हदें सरहदें पार कर जाता हूँ। सक्सेना रो पड़ा। ये बात भी ठीक है भैया। अरे फैन है किसी का, गाने की रिक्वेस्ट कर रहा है, थोड़ी ना गुनाह कर रहा है कोई है? सर फैन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर यह किसी जेन्युइन कोई बहुत अच्छे सिंगर या अच्छी सिंगर के किसी कलाकार के बड़े फैन होते तो सर बात समझ में भी आती। Yes! सर ये वो छिछोरे गाने गाने वाले बदतमीज कुमार के फैन है, बताइए। सर सर करेक्ट कह रहा है सर, बिल्लू सही कह रहा है सर। मतलब सर बदतमीज कुमार मतलब एकदम ढेले का सिंगर है वो, शे मतलब वो भी कोई सिंगर है? नहीं देखो, किसी का फैन होना फॉलो करना कोई बुरी बात नहीं है, फॉलो करो, मुरीद हो तुम, लेकिन किसी उच्च कोटि के सिंगर को फॉलो करो ना यार, उसके मुरीद हो ना यार। मतलब देखो ऐसे तुम कोई अच्छे सिंगर को पकड़ो और उसके लिए तुम हर हद हर सरहद पार कर जाओ गुजर जाओ वो ठीक है, तब तो जाके दुनिया कहेगी कि भाई वाह वाह भटनागर, वाह 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 किसको फॉलो किया, मतलब किसके मुरीद हुए, वाह वाह वाह। से याद है अगर मुरीद होना है तो उस तुलिका देवी के सर? क्या आपने सर किसका नाम ले दिया सर आपने? क्या सर वो सर वो सर क्या गाती है, क्या गाती है सर वो, क्या गाती है, क्या गाती है वो, क्या गाती है वो? अरे खैर एक बार को उनको छोड़ो, उनकी बेटी पता है तुलिका देवी की बेटी मल्लिका देवी, ओ क्या दिखती है, क्या दिखती है, क्या दिखती है, और साथ में गाना भी अच्छा गाती है, क्या गाती है, मतलब कमाल एकदम कमाल कमाल। एक मिनट सर, ये जो बाद में आपने कहा ना मल्लिका देवी, इनको सुनने और देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, मतलब कहाँ दिख सकती है? सक्सेना रो पड़ा। वो देखो वही है तुलिका देवी की बेटी मल्लिका देवी। वाह वाह कितनी सुंदर आवाज है। हा? और जितनी सुंदर आवाज है ना उससे कहीं ज्यादा सुंदर सूरत है इनकी। हाय दया, लेकिन सूरत तो दिखाई दे नहीं रही है। हम यहाँ तक ले आए ना तो अब सूरत वहाँ जाके खुद देख लो आप, क्या हम वहाँ तक भी छोड़ के आए, बीच में नदी तालाब आ रहे हैं, कोई इतना भी नहीं होता है ना, कोई अगर कोई मदद करे तो उसका इतना फायदा। जाओ चलो भैया अपन तो चले। सक्सेना रो पड़ा। वाह सक्सेना रो पड़ा। क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, क्या हमारा गीत सुन के? अरे नहीं नहीं नहीं, आपका गीत सुन के तो सक्सेना हंस पड़ा। अरे अरे आप रुक क्यों गई, आपकी पलकें झुक क्यों गई, गाइए ना प्लीज गाइए, मैंने इतनी मधुर आवाज और इतना सुंदर चेहरा आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। सक्सेना रो पड़ा। लगता है तुम गान का
माने आर्ट का बहुत बड़ा कद्रदान है, जैसे जाफरानी पान है। क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? हम पान है लेकिन आप महान है। वाह 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 वाह, आपका नाम क्या है मलिका जी? हमारा नाम मलिका देवी, डॉटर ऑफ तुलिका देवी। क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? वाह वाह, पहली बार सुना ऐसा रेयर नेम, तो मलिका देवी। वाह, एक बात बताइए, आप रोज यहीं रियाज करती हैं? और हम किधर जाएगा, जो ही हमारा बाड़ी है, बगीचा है, जहाँ हमने अपना गौला को सींचा है। क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? वाह वाह वाह, क्या सींचा है, क्या सींचा है। आपको एक बात बताऊँ, आज के बाद मैं आपका बहुत बड़ा मुरीद हो गया। सक्सेना रो पड़ा। एक बात हम भी तुमको बोलता है, तुम्हारा जैसा मुरीद हावड़ा ब्रिज के नीचे झालमुड़ी का भाव में बिकता है। क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? अरे नहीं नहीं, आप समझी नहीं, मैं बहुत बड़ा मुरीद हूँ। आपको बताऊँ, मुरीद गिरी के कीड़े मेरे तन बदन में रेंगते हैं। कीड़ा लोग को तो हम स्प्रे लगा के मार देता है। अरे नहीं नहीं, वो कीड़ा नहीं, वो कीड़ा नहीं, मुरीद गिरी का कीड़ा। हाँ देखो, ऐसा है कि तुम्हारा जैसा मुरीद लोग बृष्टि के दिन में मेंढक के जैसा टर्राता है, और फिर बृष्टि खत्म होने के बाद बिलौटे की तरह भाग जाता है। क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? अरे नहीं नहीं, मैं वो मेंढक हूँ जो जिंदगी भर आपके लिए टर्राएगा, वो बिलौटा नहीं जो बाद में भाग जाएगा। क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? अरे देखिए, मैं आप ही की तरह बोलने लगा। क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? तुम्हारा बात सुन के हमारा मन भी डोल रहा है। हाँ तो डोलने दो, डोलने दो। मैं आपको बताऊँ, मैं आपका आशिक हो गया, आपकी आवाज़ का आशिक हो गया, मैं आपकी खूबसूरती का आशिक हो गया। आज के बाद आपको देखे बिना और आपको सुने बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। मैं क्या करूँ, मुझसे शादी कर लो, सक्सेना रो पड़ाऊँ। आपका बात से हम कैसे कर लेगा यकीन, क्योंकि जो दूर से दिखता है थाईलैंड, कभी कभी होता है वो चीन। क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? पर फिर भी सबका एक दिन होता है तो हमारा भी होगा शादी, पर शादी के लिए हम हाँ अभी नहीं बोल सकता। उसके लिए आपको हमारा मदर यानी मशहूर गायिका फ्लॉप नायिका तुलिका देवी से मिलना होगा, तभी शादी होगा। क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? हाँ मिलूंगा, जरूर मिलूंगा उनसे। क्या बोले, क्या बोलेगा? ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग तुलिका देवी। क्या बोलेगा, क्या बोलेगा?